लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ डिस्टिंग्विश बिटवीन जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. सो पे अटेंशन. जॉइंट डिमांड एंड कॉम्पोजिट डिमांड. अब पहले यदि एग्जाम्पल याद होगा तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा. जॉइंट एंड कंपोजिट. जॉइंट क्या होता है, एग्जाम्पल दो जॉइंट डिमांड का. कार एंड पेट्रोल. ओके एक और एग्जाम्पल दो जॉइंट डिमांड का. मोबाइल एंड चार्जर. यदि कार खरीदी है तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए, यदि मोबाइल खरीदा है तो चार्जर चाहिए ही चाहिए उसके साथ, तो जॉइंट डिमांड है. अब आते हैं हम कॉम्पोजिट डिमांड पे. पहले एग्जांपल दो ताकि चीजें क्लियर हो. कॉम्पोजिट यानी कि एक चीज से हम बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी. क्या एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी से एसी चला लो, फैन चला लो, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, राइट, कितनी सारी चीजें, आयरन. अभी ये एग्जांपल हुआ कॉम्पोजिट डिमांड का. देन शुगर. यदि शुगर महंगी है सिर्फ चाय बनाने के काम में लेंगे, सस्ती हुई मिठाई भी बना लेंगे. एक चीज के कितने मल्टीपल यूज हो सकते हैं, राइट. तो अब ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं जॉइंट डिमांड और कॉम्पोजिट डिमांड के बीच में डिफरेंस. जॉइंट डिमांड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. एक है तो दूसरा तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. अब कॉम्पोजिट डिमांड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सड डिमांड. इनके डिफरेंट नेम्स ये टाइप्स ऑफ डिमांड में भी हमने पढ़ा था. जॉइंट डिमांड व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट इट इज कॉल्ड जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. जब एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो चीजें साथ में मांगी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड. मुझे किसी से बात करनी है, मोबाइल भी चाहिए, वो डिस्चार्ज होगा तो चार्जर भी चाहिए, दोनों साथ में चाहिए तो जॉइंट डिमांड. एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो चीजें मांग रही हूँ तो जॉइंट डिमांड. व्हेन गुड्स आर डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस, एक से ज्यादा यूजेस, इट इज केस ऑफ कॉम्पोजिट डिमांड. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड, पेन एंड इंक. पेन मांगोगे तो साथ में इंक या रिफिल मांगोगे. कार मांगोगे तो पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए. मोबाइल है तो सिम कार्ड चाहिए, मोबाइल है तो चार्जर चाहिए, तो ये दोनों भी हो सकते हैं. एंड कॉम्पोजिट डिमांड के एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी एक चीज लेकिन चलाती है कितनी सारी चीजें. शुगर चीज एक है, उपयोग अनेक है. फोर्थ पॉइंट फॉर जॉइंट डिमांड, राइज इन वन प्रोडक्ट विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर द अदर एंड वाइस वर्सा. इट शुड बी राइज इन डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट. हाँ, यदि कार की डिमांड बढ़ी तो क्या होगा, पेट्रोल की डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगी. तो राइज इन डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट विल लीड टू राइज इन डिमांड फॉर द अदर एंड वाइस वर्सा. कार की डिमांड घट गई तो गाड़ी चलाने वाले लोग कम हो गए तो पेट्रोल भी डिमांड कम हो जाएगा. अ चेंज इन डिमांड फॉर वन यूज विल अफेक्ट द सप्लाई इन अदर यूज. एक क्योंकि मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं ना एक ही चीज के, इलेक्ट्रिसिटी के, तो किसी एक की डिमांड में चेंज हुआ दैट विल अफेक्ट द सप्लाई इन अदर कमोडिटी. वो उसके अंदर जितना यूज हो रहा है उसकी सप्लाई में फर्क पड़ जाएगा. फिफ्थ द डिमांड फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स इज इन इलास्टिक. इन इलास्टिक चेंज नहीं होगी. कार है बिक रही है तो पेट्रोल को तो बिकना ही है, तो डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक. इलास्टिक को देखिए, इलास्टिक को इमेजिन करो, खींचोगे तो बढ़ता है और घटता है छोड़ोगे तो. लेकिन इन इलास्टिक चीज जैसे कि स्टील की रॉड, उसको कितना भी खींचो या कैसा भी करो लेकिन वो अपना शेप चेंज नहीं करती. तो वैसे ही यदि कार खरीदा है तो पेट्रोल लोग खरीदेंगे ही. इसका डिमांड कैसा है, डिमांड फॉर जॉइंट प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक. जबकि कॉम्पोजिट डिमांड क्या है, द डिमांड फॉर कॉम्पोजिट कमोडिटीज इज इलास्टिक. वो चेंज होता है अकॉर्डिंगली, इसलिए कॉम्पोजिट कमोडिटीज का डिमांड कैसा होता है, इलास्टिक. यदि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा हो गया तो
तो 3 AC की बजाय घर में 1 ही AC चलाना स्टार्ट कर दोगे, सो क्या हुआ, या फिर माइक्रोवेव यूज करना बंद कर दोगे, सो द डिमांड ऑफ कॉम्पोजिट कमोडिटीज इज इलास्टिक, वो चेंज होती है. सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट डिमांड एंड कॉम्पोजिट डिमांड.